हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग सातवां अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है समुद्र और टिटीहड़ी। एक देखो कहानी है, पढ़ते हैं हम लोग। क्या है इसमें? एक समुद्र था, वह बहुत घमंडी था। वह अपने घमंड में अपनी लहरें दूर दूर तक उछालता और गरजता। उसकी लहरों में बहुत से जानवर फंसकर डूब जाते। वह बहुत खुश होता। वह कहता, मैं इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली हूँ। कौन कहता? समुद्र। मेरा सामना कोई नहीं कर सकता। मैं जिसे चाहूँ डुबा सकता हूँ, बहा सकता हूँ। इसी समुद्र के किनारे एक टिटीहड़ी चिड़िया अपना घोंसला बनाकर रहती थी। उसने अपने घोंसले में 4 अंडे दिए। अब वह अंडे से बच्चे निकालने की प्रतीक्षा कर रही थी। एक दिन टिटीहड़ी दाने की खोज में कहीं गई। उसके पीछे समुद्र अपनी लहरों में उसके अंडे बहाकर ले गया। टिटीहड़ी ने वापस आकर जब अपने अंडे और घोंसले को नहीं देखा तो वह बहुत दुखी हुई और रोने लगी। उसे रोते देखकर एक छोटा कछुआ आया। उसने पूछा, टिटीहड़ी बहन, क्यों रोती हो? टिटीहड़ी ने अंडे गायब होने की बात बताई। कछुआ बोला, तुम्हारा घोंसला और अंडे तो समुद्र बहा कर ले गया है, चाहो तो उससे पूछ लो। टिटीहड़ी समुद्र के पास गई। पूछा, समुद्र, तुमने मेरे अंडे बहाए हैं? हाँ, मैंने तुम्हारे अंडे बहाए हैं, तू मेरा क्या कर लेगी चिड़िया? जब जा, भाग जा। यह कहकर समुद्र की लहरें उछली। टिटीहड़ी बचकर भाग गई। किनारे आकर वह रोती हुई बोली, समुद्र, तुमने मेरे अंडे बर्बाद किए। मैं तुमको इसका दंड दूंगी, मैं तुम्हें सुखा दूंगी। उसकी बात सुनकर समुद्र बहुत हंसा। अब टिटीहड़ी ने समुद्र को सुखा देने की ठान ली। वह समुद्र का पानी अपनी चोंच में भर कर लाती और रेत पर छोड़ आती। यह काम वह दिन रात करने लगी। कौन करने लगी? वो चिड़िया। जब थक जाती तो बैठकर रोती। क्यों रोती? अपने अंडे के कारण। कई चिड़िया और बहुत से जानवर उसे देखकर दुखी होते। कहते, बेचारी अपने अंडों के दुख में पागल हो गई है। भला यह छोटी टिटीहड़ी समुद्र को कैसे सुखा पाएगी? टिटीहड़ी पर इसका कोई असर नहीं होता। वह अपने काम में महीनों वर्षों लगी रही। एक दिन शाम के समय एक महात्मा समुद्र तट पर आए। उन्होंने समुद्र का जल अपने हाथों में उठाया और सूरज को चढ़ाने लगे। तभी समुद्र गरजा, मैं समुद्र हूँ, सूरज को भी डुबा देता हूँ, इसलिए सूरज को नहीं मुझे प्रणाम करो। महात्मा किसने बोला? समुद्र ने। महात्मा समुद्र की इस बात पर बहुत क्रोधित हुए। तभी उनके हाथ से एक चिड़िया आ टकराई और उनके पैरों पर गिर गई। महात्मा ने उस चिड़िया को उठाकर पूछा, चिड़िया, तुम्हें क्या हुआ? तू मुझे अपना दुख बता। यह चिड़िया टिटीहड़ी थी। टिटीहड़ी रोती हुई बोली, मेरे अंडे समुद्र बहा ले गया, मैं इसे सुखा दूंगी, मुझे छोड़ दो। यह कहते कहते उसने उड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर गिर पड़ी। महात्मा ने देखा वह मर चुकी थी। यह महात्मा ऋषि अगस्त थे। उन्होंने कहा, हे माँ चिड़िया, तू धन्य है, मैं तुम्हारी इच्छा अभी पूरी करता हूँ। यह कहकर उन्होंने समुद्र का जल उठाया और मंत्र पढ़कर उसे पी लिया। पूरा समुद्र ही सूख गया। समुद्र को उसके घमंड का दंड मिल गया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, यदि छोटे से छोटा प्राणी भी ठान ले तो बड़े से बड़ा काम कर सकता है। जैसे वो चिड़िया ने ठान ली तो उतने बड़े समुद्र को वो सुखा दी। भले वो नहीं सुखाई, लेकिन किसी के माध्यम से वो सुखवा दी। एक माँ अपने बच्चों की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती है। ऐसी माँ का हमेशा आदर करना चाहिए। जैसे वो टिटीहड़ी चिड़िया थी, अपने अंडों के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो गई। इतने बड़े विशाल समुद्र को भी सुखाने के लिए तैयार हो गई। इससे ऐसी माँ को आदर करना चाहिए। ठीक है, आप लोग भी रीडिंग कीजिएगा और अगले वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। बाय।